ये लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं? जब हम ना कहते तो पीछे पीछे आती हैं, और जब हम नजदीक जाते हैं तो नखरे दिखा के दूर भाग जाती हैं। अच्छा, मेरी क्या गलती थी कोई बताएगा? एक बात याद रखना, किसी से इतना प्यार मत करना जितना मैंने किया, समझ रहे हो ना? वरना बर्बाद हो जाओगे रास्कल। अच्छा, मेरा तो दिल टूटा है इसलिए शराब पी रहा हूँ और बारिश में भीग रहा हूँ, मेरा तो बनता है, लेकिन तेरे को भीगने की क्या जरूरत है? एक्सप्लेन कर अभी, एक्सप्लेन कर। अबे तुझे सर्दी लग जाएगी। इधर आ, अपन दोनों मिलके सेल्फी लेते हैं, आजा। अरे इसकी बैटरी भी डाउन हो रही है, आजा। अरे जल्दी आना यार। भाई, अरे भाई, ये क्या हाल बना रखा है? अरे दोस्त तुम, अरे उठो उठो वहां से, चलो। भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो? ब्रदर, एक बात बताओ क्या? तुम्हारा प्यार तो सक्सेसफुल, मेरा फेल हो गया है यार। फेलियर लव स्टोरी बन गई। तो भाई क्या? अरे क्या, जिनका प्यार सच्चा होता है वो ऐसे खुद को बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं। चलो गाड़ी में बैठते हैं, बारिश तेज है, चलो। छोड़ो यार, बारिश चाहे कितनी भी तेजी क्यों ना हो, पर जिस दिल में प्यार की आग लगी हो उस दिल की आग को वो नहीं बुझा सकती। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बुझा सकती, नहीं बुझा सकती। जब मुझे प्यार और पैसा दोनों में से एक को चुनना था तो मैंने पैसे को चुना, लेकिन आज मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, लेकिन वही प्यार मुझसे दूर दूर भाग रहा है। मेरा प्यार मेरे हाथ से निकलता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे नैना चाहिए दोस्त, अगर नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे बस वही चाहिए। इतना दुखी मत हो, इतना दुखी होने का कोई फायदा नहीं, वरना उसके प्यार में पागल हो जाओगे और इसकी तरह रास्तों पर भटकोगे। हम लड़के ना, हम लड़के तो बस सिनेमा हॉल के जैसे होते हैं भाई, बिल्कुल सिनेमा हॉल के जैसे। और ये लड़कियां ना, ये होती हैं फिल्मों की तरह भाई, हर हफ्ते आती हैं और चली जाती हैं। अरे मेरी लाइफ तो एक तमाशा बन गई है, काय का सिनेमा हॉल और काय की फिल्म। छोड़ो यार, मैं दिमाग की हमेशा सुनता रहा लेकिन कभी दिल की नहीं सुनी मैंने यार। लेकिन नैना ने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। मेरी आंखें खोल दी उसने। ऐसी लड़की जिंदगी से चली जाती है तो बर्दाश्त नहीं होता। ब्रदर, प्यार खुद चलकर मेरे पास आया और मैंने खुद अपने हाथों से उसे गवा दिया। कितना बदकिस्मत हूँ मैं। भाई, तुम बदकिस्मत नहीं हो, तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारा प्यार कहीं नहीं गया भाई, यही है वो। नहीं ना, तुमने कहा कि पैसों से खुश रहा जा सकता है तो मैंने सोचा कि ट्राई करके देखती हूँ, पर मुझसे ये नहीं हो पाया विकी। सच में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। जरा सोचो नैना, जब मैं अपनी ही बात मानकर इतना पछता रहा हूँ तो तुम भला कैसे खुश रह सकती थी? वाह वाह, मुझे लगा था तुम्हारी लव स्टोरी भी देवदास की ही तरह सैड एंडिंग पर खत्म होगी, पर ये तो DDLJ की तरह हैप्पी एंडिंग हो गई। तुम दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। अब उसकी तरह तुम्हारी लाइफ भी सुपर हिट होनी चाहिए, सुपर हिट।